अस्सलाम वालेकुम, काइंडली अपनी अटेंडेंस एंटर करते जाएं। जी अब्दुल्ला, क्वेश्चन आप कर लें। आपने प्राइवेटली मैसेज किया है, अपना हैंड रेज कर लें या लिखना चाहते हैं तो लिख दें क्वेश्चन। मेरे ख्याल टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि मैं वो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म वाला मैंने टॉपिक सोचा हुआ था, लेकिन एक तो थोड़ा सा लेट भी ज्वाइन हुआ है। आप अपना हैंड रेज करेंगे तो मैं अनम्यूट कर सकूंगा, वरना इतने लोगों में से। जी अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो वालेकुम पेपर से सलाम। रिलेटेड जी पेपर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है आपका? सर, वो पेपर के बारे में बता दें काइंडली कि वो किस टाइप का होगा, उसमें एमसीक्यू अच्छा से हटके शॉर्ट और हाँ, मैंने क्वेश्चन। मैंने पहले भी बताया हुआ है, और मेरे अगले दो सेशन में मेरा ख्याल है कि हम बजाय इसके कि टॉपिक्स को रिवाइज करें, जो कि आपको मेरे ख्याल है हर चीज़ गिवन ही है, तो हम थोड़ा सा पेपर के बारे में बात करें। मेरी कोशिश होगी कि मैं एक मॉक टाइप एग्जाम भी ले लूं, लेकिन मॉक टाइप में ये है कि क्वेश्चन नहीं होंगे। लेट मी हैंडल योर सी आर, क्योंकि बहरहाल। अच्छा, उसमें ये है कि मॉक एग्जाम अगर मैंने लिया भी तो उसमें क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन नहीं होंगे, मतलब फेक क्वेश्चंस होंगे, और सिर्फ वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होगी। लेकिन आप किस हिसाब से पूछना चाह रहे हैं मुझे बताएं, ताकि मैं थोड़ा सा ज्यादा क्लियर करूं। सर जी मतलब क्वेश्चंस किस तरह के होंगे? फॉर एग्जांपल सिनेरियो बेस्ड होंगे या कैलकुलेशंस होंगी या डेफिनेशंस होंगी अच्छा, डीएलडी या में, होंगे? ज्यादा जो है ना आपको जो है ना वो सिनेरियो बेस्ड भी मिलते हैं, वैसे तो कैलकुलेशन भी मिलती है। कैलकुलेशन उस हिसाब से नहीं होती आपकी, वो बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होते हैं। अच्छा बाहर चलें, मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ कि मैंने, हाँ हुआ ये कि पहले तो मेरा मूड था कि सारा पेपर जो है मैं एमसीक्यू फॉर्म में दूंगा ताकि वो चेक हो जाए, लेकिन जैसे मैंने बाकी भी देखा और ट्रेंड भी देखा, तो मैंने अब ये किया है कि जो चैप्टर 1, 2, 3 है, ठीक है ना, वो 3 10 10 के एमसीक्यूज के सेट बने हुए हैं। ठीक हो गया अब्दुल्ला, 10 10 एमसीक्यूज सेट, लेकिन वो एमसीक्यूज ऐसे नहीं है कि वो रटे वाले हों, ठीक है ना, वो सॉल्व करने वाले एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना, सॉल्व करके उसका आंसर आता है, ठीक है ना। पर वो एमसीक्यूज मतलब अगर थोड़ा सा बंदा ध्यान लगाए ना, कि अगर वो जिस तरह होता है ना कि एलिमिनेशन वाला प्रोसेस वाला भी होता है, कि अगर ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो वो उस तरीके से उसके एमसीक्यूज के आंसर रखे गए हैं, ठीक है ना, वो भी मतलब कर सकता है बंदा। लेकिन अगर आप उसको सॉल्व करना चाहें क्वेश्चन को, तो सॉल्व करके भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का है, तो वो मेरा इरादा है कि वो जो 10 एमसीक्यूज होंगे, तीनों सेट वो आधे आधे घंटे के होंगे, तो आपका जो 1.5 घंटा है वो इस तरह से गुजरेगा। उसके बाद 5 जो कि उनमें से सिर्फ 2 टोटल जो है ना कि वो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप को फिट करते हैं, वरना वो तकरीबन तकरीबन मीडियम क्वेश्चन, बाकी जो उसमें, यानी कि 3 तो ये हो गए ना एमसीक्यूज हो गए, उसके बाद 5 जिनको लॉन्ग क्वेश्चन कहा गया, वो 5ों लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते हैं वैसे, ठीक है ना। उनमें से 5 में से 2 को आप कह सकते हैं कि वो प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बाकी जो 3 है ना वो तकरीबन मीडियम टाइप क्वेश्चन है, यानी कि वो 5 5 मार्क्स के हैं, और बाकी इसमें से 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, ठीक है ना, और उसके लिए वो चैप्टर 4 और 5 में से हैं सिर्फ, ठीक हो गया। तो ये सिनेरियो, वो आपको क्या करने पड़ेंगे कि वो लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि वो आपने जिस तरह क्विज 2 मुझे सेंड किया था ना, मतलब उसकी फाइल बनाकर और अपलोड की थी, उस तरह करनी पड़ेगी, और उसको मैं कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों पे बर्डन ज्यादा ना पड़े, ठीक है ना। और टीचर्स ने सब तकरीबन मुतफक्का यही फैसला किया है कि वो क्वेश्चन आपको ना टाइम वाइज रिलीज किया जाए, यानी कि आपने पहले तो 3 आधे आधे घंटे का आपसे एमसीक्यूज लिया जाए वो, और वो भी आधे आधे घंटे रखा जाए ताकि आप लोग करें उनको, बजाय इसके कि आपको छोड़ दिया जाए खुला, ठीक है ना। और आप लोग यहाँ पर जूम पर भी हमारे साथ इन टच हो ताकि आपको गाइडेंस भी मिलती रहे, और एग्जाम डिपार्टमेंट का भी जो है वो ख्वाहिश यही है कि आपको रखा जाए इधर, ठीक है ना, विद कैमराज ऑन,
बहरहाल चलें, वो उनकी ख्वाहिश है, वो भी पूरी हो जाएगी और हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन चलती रहेगी, ठीक है ना, कि मैं आपको बताता रहूंगा कि अच्छा आप ये कर लें, अब ये कर लें, अगर किसी को कोई इशू आता है हल्का फुल्का तो जो हम सॉल्व कर सकते हैं, अब किसी का इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू अपनी तरफ से आ रहा है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते उधर जाकर, ठीक है ना, अगर कोई ज़्यादा किसी को इशू है तो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप उधर आ जाएं हमारे पास, हम वहाँ से आपको अपनी यूनिवर्सिटी से जो है ना वो बिठा कर, वहाँ इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है वहाँ पर हम आपको पेपर दिलवा देंगे, ठीक है ना, तो पेपर ऐसे भी दिया जा सकता है, ठीक हो गया। अच्छा बाकी ये है कि आप लोगों ने पहले 3 क्वेश्चन तो MCQs हैं, लेकिन उसके लिए भी पेपर और पेन रेडी रखना है ताकि आपके जितने भी सॉल्व करने वाला रफ काम है ना वो आप अपने पास कर सकें, ठीक हो गया। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए पेपर और पेन आपने ऐसे रेडी रखना है कि उसके सारा सोल्यूशन जो है ना वो पेपर पर होगा और आपने अपलोड करना होगा। तो मेरी कोशिश होगी, 5 क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन जो है जो कि जो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन है वो मेरी कोशिश होगी कि वो मैं अलग अलग आपसे करवाऊँ, ठीक है ना, बाकी जो 5-5 मार्क्स के वो मैं आपको ग्रुप्स में दे दूँ ताकि मतलब ग्रुप से मुराद ये है कि 2 क्वेश्चन इकट्ठे दे दूँ, फिर यानी कि यूं समझ लें कि क्वेश्चन नंबर 8 हो गए ना, मैं इधर लिख देता हूँ, अब पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये तीनों हो गए चैप्टर 1 में से MCQs, चैप्टर 2 में से MCQs, और ये चैप्टर 3 में से भी हैं, चैप्टर 4 में सिर्फ 2 छोटे से सिंपल से MCQs हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है, चैप्टर 3/4, लेकिन वो बहुत छोटे से, आप उसकी बहुत ज्यादा फिक्र ना करें, अगर आपने चैप्टर 4 प्रिपेयर किया प्रॉपर तरीके से तो वो MCQs खुद बखुद हो जाएंगे, तो ये मतलब टेक्निकली कोई इसमें मिस्टेक ना निकाले कि जी चैप्टर 3 के कहा था 4 का भी एक आध दे दिया तो ये क्या है, ठीक है ना, तो इसको छोड़ दें। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो 10 मार्क्स का है, 5, 6 और 7 ये 5-5 मार्क्स के हैं तीनों, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना ये 10 मार्क्स का है, ठीक है ना, तो ये जो 10 मार्क्स के रखे हैं इनकी टाइमिंग के हिसाब से वेटेज रखी है, तो ये भी आपको सिनेरियो बेस्ड होगा, ये सिनेरियो बेस्ड तो नहीं, ये बाकी जहां तक मुझे याद पड़ता है ये दोनों तीनों चैप्टर 4 से हैं और ये दोनों चैप्टर 5 से हैं, ठीक है ना। अच्छा अब आपको ये कैसे दिए जाएंगे, ये आपको मैं दे दूंगा, ये तो हो गया ना 1 आवर 30 मिनट हो गया, पेपर आपका 4 घंटे पे जाएगा क्योंकि अपलोडिंग भी करनी है आपने, ठीक है ना, तो वो 4 घंटे बजाय इसके कि आपको 3 घंटे खुला छोड़ दिया जाए और 1 घंटे एंड पर आप अपलोडिंग करें, वो इस तरह होगा, मैनेज किया जाएगा, ये मैं कह दूंगा आपको 45 मिनट आप लें और 15 मिनट अपलोडिंग करें, ये तो आप साथ साथ ही अपलोड हो जाएगा ना, MCQs तो आप अटेम्प्ट करेंगे और साथ ही आपको सोल्यूशन सबमिट भी हो जाएगा, इसका तो कोई मसला नहीं है अपलोडिंग का अलहदा से, ठीक है अब्दुल्ला, MCQs तो आप अटेम्प्ट करते साथ ही उसका आंसर आ जाता है ना, मुझे मिल जाता है, ये तो साथ ही सबमिट हो जाते हैं, यहाँ मसला है, ठीक है ना, तो 45 मिनट में आप अटेम्प्ट करें, 15 मिनट में आप क्या करें उसका सोल्यूशन दें, यहाँ भी आपको ऐसे ही रखा जा सकता है, हालांकि ये छोटे क्वेश्चन है लेकिन 45 मिनट में आप अटेम्प्ट करें और 15 मिनट में इसका क्या करें सोल्यूशन अपलोड करें, और ये आखिरी जो है दोनों मिलाकर ये भी मैं 45, ये इतने बड़े नहीं है दोनों, मुझे आइडिया है 15 मिनट में आप अपलोडिंग करें, ठीक है, तो अब क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो चैप्टर 5 में से मैंने आपको पहले बताया था कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन ना हुए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को MCQs में ढाला तो मैं स्टेट डायग्राम नहीं दूंगा, लेकिन अब यानी कि स्टेट टेबल तक आपको काफी होगा, लेकिन अब आपको क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बन गए हैं तो स्टेट डायग्राम भी आपको थोड़ी बहुत देखनी पड़ेगी, लेकिन आउटपुट वाली ना देखें, सिर्फ इनपुट वाली स्टेट डायग्राम भी अगर आप लोग देख लेते हैं तो कोई मसला नहीं, तो अब्दुल्ला क्लियर हुआ है, कुछ तसल्ली हुई है, कुछ कुछ तसल्ली हुई है, और ये अटेम्प्ट कर लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे, आपने इनके लिए पेपर पेपर रेडी रखना है, ठीक है, और हर पेपर पे अपना रोल नंबर, ठीक है, अच्छा ब्लैक पेन से करना है, ठीक है ना, ब्लैक पेन से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और इसकी पिक्चर्स लेके अपलोड करनी है पेपर की, पिक्चर लेकर और बेहतर ये PDF बनाकर करें आप लोग, अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 9 भी होगा, वो क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, वो एग्जाम वालों की शर्त है तो वो हमें भी आपको लाजमी करना है, क्वेश्चन नंबर 9 ये होगा, ये तो MCQ सबमिट हो गए, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 का सोल्यूशन आप इकट्ठा मर्ज करें और क्वेश्चन नंबर 9 के तौर पर अपलोड कर दें, समझ आ गई है, नहीं आई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मर्ज करके एक जगह अपलोड कर देने, ये लहदा भी सबमिट कराने, ये मेरी चेकिंग के लिए है, मैं चेक लहदा करूंगा ताकि मैं आपको नंबर लहदा लगा कर दे सकूं, ठीक है ना, ये 7 और 8 ये सारी लहदा असाइनमेंट बनी होंगी, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 लहदा असाइनमेंट बनी होंगी, क्वेश्चन 4 का लहदा जमा कराओगे, 5, 6, 5 का लहदा, 6 का लहदा, 7, 8 ये मैं विजिबल इकट्ठे कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इकट्ठा विजिबल कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 1.5 घंटे के बाद विजिबल हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 5 आपको 2.5 घंटे के बाद विजिबल हो जाएगा, ये तो ज्यादा टाइम बन रहा है जो मेरे ख्याल है। फिर ये मैंने जो है ना वो 30 मिनट का, 20+10 मिनट का रखा होगा क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन है। जी ऐसे ही है, ये छोटे क्वेश्चन है। चीजें और पूछने की? जी जी पूछे। अच्छा मैं अगर इसको थोड़ा सा कर लूं क्योंकि साथ ही चल रहा है, ब्लैक पेन ठीक है, पेपर के आप ऐसा रखें व्हाइट हो, लाइनों वाला बेशक हो, लाइनों वाला ज्यादा अच्छा है क्योंकि लाइनों वाले में आप जो है ना ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, आगे पीछे नहीं जाते हैं। अच्छा और इसमें एक चीज ये कि रोल नंबर आईडी नंबर सारे पेपर्स पर लिखें अपना, और साथ ही एक और काम ये करें कि नंबरिंग करके रखें अपने पेजेस की नंबरिंग, ठीक है। ये अगर आप एडवांस में करके रखें ना तो आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा मुनीब से भी मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी अब्दुल्ला आप और क्या पूछना चाह रहे हैं? मुनीब आप अपना हैंड रेज रखें बेशक। सर ये जब हम क्वेश्चन 1, 2, 3 कर लेंगे उसके बाद 4 अपलोड होगा? जी जी ऐसे ही है, ये इकट्ठे अपलोड नहीं होंगे, ठीक है ना। अच्छा और सर एक और चीज की, ये जो चैप्टर 6 है रजिस्टर काउंटर वाला, ये सिरे से नॉट इंक्लूडेड है? नहीं है नहीं है, बहुत पहले से बता रहा हूँ नहीं है। चलो ठीक है ना, आपके आसानी के लिए किया कि ताकि आपको ज्यादा जाना ना तैयार करना पड़े, ठीक है। क्योंकि मिड भी नहीं था ना तो फिर आप सारे चैप्टर फाइनल में आना भी थोड़ा सा, मैंने कहा चलो ये भी हो जाए, ठीक है, वरना तो मिड में कवर। एक और चीज सर वो, जी जी पूछे कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है 10 नंबर के, इसकी अगर एक एग्जांपल दे दें आप, इस तरह का क्वेश्चन होगा? यार ये आप चैप्टर 4 और 5 तैयार करें, ठीक है ना। देखें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो डिजाइन प्रॉब्लम में से बनते हैं या एनालिसिस में से बनते हैं, ठीक है ना। बाकी जो है ना वो आपको मैंने पहले बताया कि चैप्टर 4 में से ज्यादा फोकस करें अपना एंड वाले चैप्टर, डिकोडर इनकोडर मल्टीप्लेक्सर डिजाइन प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, ये करें, ठीक है ना। आप एडर सबट्रैक्टर मैग्नीट्यूड कंपैरेटर इनको थोड़ा सा, अरिथमेटिक वालों को भूल करना, डिकोडर इनकोडर मल्टीप्लेक्सर और डिजाइन प्रॉब्लम के ऊपर जो है ना वो करें। उजैर आई कैन नॉट से कि क्यों मेजोरिटी का पासवर्ड आ रहा है, देखें यहाँ पर लोग आए हुए हैं, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, आप भी आ गए ज्वाइन कर लिया है तो कुछ कह नहीं सकता मैं कि क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, बाकी अब अगर मैं बिल्कुल डायरेक्ट गाइड करना शुरू कर दूं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, फिर पेपर भी देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये काम तो नहीं हो सकता, ठीक हो गया अब्दुल्ला, तो आप तैयारी करना, ठीक है। हाँ जी मुनीब का क्वेश्चन था, मुनीब अगर आप अपना हैंड रेज कर दें। मुनीब ने मेरे ख्याल मेरा उनका क्वेश्चन जो था या तो आंसर हो गया ऑलरेडी, ठीक है। आते रहें, अगले 2 सेशन में भी हम कोशिश करेंगे कि मैं एक तो मिन टर्म मैक्स टर्म वाला अगर कवर करा दूं, और दूसरा ये है कि आप लोग अगर क्या कहते हैं इसी तरह आते रहेंगे तो मजीद क्लियर क्लैरिटी होती रहेगी आपको। अगर दोबारा पेपर का कोई इशू है, सॉल्व है, मॉक एग्जाम अगर मैं ना दे पाया, क्योंकि ये चीज़ें अब मैं दोबारा इसी तरह क्वेश्चन 1-1 बना दूँ, MCQs जो के मॉक एग्जाम का फेक क्वेश्चन हो उसमें, और वो एक बच्चा अपलोड कर रहा हो यहाँ पे, बच्चा स्क्रीन शेयर करके, तो वो उसी तरह जिस तरह मतलब के ये होना तो है, आपको पता तो चल गया, ठीक है ना। मेरा ख्याल है कि ये आप लोग कर लेंगे, तो इसमें मैं जरा जहन में नहीं रहा था कि ये आपको पेपर 4 मिनट का चला जाएगा, क्योंकि ये अपलोडिंग के जो एक्स्ट्रा टाइम है ना तो ये कहाँ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। मल्टीप्लेक्सर्स का एक हम रख लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लेक्सर एक उसमें समझ आता नहीं है एक टॉपिक में, तो बहरहाल कोशिश करेंगे मल्टीप्लेक्सर को लहदा। अब मैं पुरानी वीडियो क्यों नहीं करते हैं देखते हैं, मॉक एग्जाम बच्चे रफ़े में ले तो लूँ, लेकिन मॉक एग्जाम का जो सेंस होगी ना वो सिर्फ ये होगी कि कोई बच्चा जो है ना वो फेक क्वेश्चंस को के आंसर्स को फेकली जो है ना अपलोड कर रहा है, उसके अलावा कोई उसका वो नहीं होगा। और एक बच्चा होगा वो एक स्क्रीन पर वो कर रहा होगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस उसमें आपको नहीं मिलेंगे, ये मैं बता रहा हूँ, तो आप देख लें। अगर आप कहते हैं तो मैं एक किसी दिन जो है ना जो आपकी क्लासेस रहती हैं थर्सडे को, कोशिश करता हूँ कि एक मॉक एग्जाम जो है ना जिसमें फेक MCQs हो, फेक 1-2 क्वेश्चन हो, ठीक है ना, वो अपलोड कर रहा हो बच्चा जो है ना वो लगा हुआ हो, एक स्क्रीन शेयर करके वो मैं ले सकता हूँ। लेकिन मॉक एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ना मेरे पास टाइम है, क्योंकि अभी आज भी मैंने आपको बताया कि मेरी क्लास शॉर्ट रहेगी क्योंकि मैंने एक और जगह ज्वाइन करना है, फिर इंटरनल्स बनानी है, फिर मैंने कुछ चीज़ें चेक भी करनी है, ठीक है ना, तो टाइम नहीं है। टाइम होता तो मैं ज़रूर वो कर लेता, लेकिन मॉक एग्जाम अगर आप कहते हैं तो मैं फेक क्वेश्चंस वाला मॉक एग्जाम ले लेता हूँ। अगर आपकी ये नियत है कि मॉक एग्जाम में हमें थोड़ा बहुत पता चल जाए हमने अपलोड कैसे करनी चीज़ें, हालांकि आप लोगों ने MCQs भी देखें कैसे
आप लोगों ने किए हैं और ये भी आपको क्विज टू का भी तजर्बा है, ठीक है, इंटरनल मैं प्रोवाइड करूंगा लेकिन बनने की थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो करूंगा, आपका राइट बनता है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये बल्कि मेरी माजरत है कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, क्योंकि ये जरा ऑनलाइन का सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और भी काम है, वरना जरूर हम करते हैं। बिलीव मी कि हम इसी ऑनलाइन सिस्टम पे लगे हुए हैं और कोई हमारा काम और है नहीं, लेकिन क्या करें, मतलब बंदे ने अगर रेस्ट ना करे बिल्कुल तो बंदा जो है ना बिल्कुल ही पागल हो जाए, गर्मियां भी हैं ऊपर से बाहर। तो आई होप के मॉक एग्जाम राफे अगर आप लोग कहते हैं तो मैं चले कोशिश करते हैं मैं एक मॉक एग्जाम बना दूं, आप लोग क्योंकि रिक्वेस्ट करते रहेंगे तो मैं एक मॉक एग्जाम ले लूं, लेकिन मॉक एग्जाम में अगेन अब कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, फेक क्वेश्चन होगा, कि क्वेश्चन नंबर 4 में मैं सिर्फ ये लिखा हो शायद व्हाट इज योर नेम या प्रोवाइड सम डिटेल फॉर योर सेल्फ, तो ये क्वेश्चन हो सकता है इस तरह का हो, ठीक है ना, बिल्कुल ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन भी ना हो, ठीक है, क्योंकि इतना बनाना फिर जेन में नहीं आती चीजें, ठीक है ना। और एक मेरे दूसरे क्लास स्टूडेंट था जिसने कहा था कि सर मॉक एग्जाम अगर आप लें तो उसमें बल्कि आप ही क्लास थी, मॉक एग्जाम लें तो उसी डिफिकल्टी पर क्वेश्चन रखें जो कि आपने पेपर में दिए हुए हैं, तो मैं या वो दूसरा सेक्शन था मुझे नहीं याद है बार, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सकता, वो उसी डिफिकल्टी के एक ही दफा बनते हैं, अगर आप दोबारा बनाना शुरू करें तो पेपर दोबारा बन जाए, वो पेपर दोबारा तो नहीं बनाता कोई ना, वो इतना आसान काम नहीं होता। पहले हम लोग एक एक सब्जेक्ट के दो दो पेपर भी बनाए हैं, आप लोगों का तो चलो एक ही बना है लेकिन दो दो भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो कोई और चीजें इंटरनल इंशाल्लाह जो है ना मैं कोशिश करूंगा कि फ्राइडे तक या सैटरडे तक जो है ना वो कंप्लीट हो जाए, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा, इंटरनल सिस्टम पे तो लगते लगते अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा, हम अपनी तो एक्सेल शीटें तैयार कर लेंगे लेकिन सिस्टम में क्योंकि वो पहले कह रहे हैं कि मिड का भी खाना निकालना हमने, तो वो भी देखते हैं कि कब निकालते हैं वो लोग, और फिर उसके बाद इंटरनल्स हम लोग डालेंगे और सारा कुछ होगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में किसी को अभी तक कोई ज़्यादा खास मतलब ठीक है समझ आती जा रही चीज़ें, लेकिन क्योंकि हर काम ही फर्स्ट टाइम हो रहा है तो कोई पता नहीं, दुआ करें कि ये थोड़ा सा ये ख़त्म हो इशू वगैरह कोरोना वगैरह का सारा कुछ, ताकि हम लोग फिर से जो है ना वो ऑन कैंपस सिस्टम में चलें जो कि सब एक सिस्टम में चल रहे थे। जी आसिफ क्वेश्चन है बट मेरे पास 5 आसिफ अपना हैंड रेज रखें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो, मेरे पास लेकिन 5 मिनट से ज्यादा नहीं है बल्कि 2 मिनट ही करें। जी आसिफ सर ये ऑनलाइन जो सिस्टम है इसकी वजह से काफी मतलब डिस्टर्ब हुए सारे स्टूडेंट्स, तो काइंडली मैंने ये बोलना था कि इंटरनल मार्किंग में थोड़े सर हाथ जो है वो होला रखिएगा। यार हाथ तो आप लोगों ने बड़ा होला रखा हुआ है हर चीज में, आप लोगों माशाल्लाह जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे नंबर लिए हैं, तो मेरा हाथ होला रखने की जरूरत ही नहीं पड़नी मुझे, आप लोगों ने पहले ही इतने अच्छे अच्छे नंबर लिए, वो चले असाइनमेंट में मैं थोड़ा मुझे नहीं पता अच्छों का, लेकिन मतलब मुझे अपना या अपने सर्कल का अंदाजा है तो कितने इतने अच्छे नहीं हुए हमारे। चले असाइनमेंट में थोड़ा सा मैं जो है ना वो कर दूंगा कि थोड़ा ठीक है जिसने जमा कराई है चलो ठीक है, तो असाइनमेंट में थोड़ा सा कर देंगे, ठीक है, मैं जरा उधर दूसरी जगह पर जाऊँ, ठीक है, क्विज का तो आप क्विज के तो जो नंबर आ गए वही नंबर आए हैं ना वो, यस सर सही है असाइनमेंट्स में सर, ठीक है चले ओके, फिर मैं जो है ना क्या नाम है दूसरी जगह जाता हूँ, मेरी मीटिंग भी है, ठीक है, तो ओके अल्लाह हाफिज़।